हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल. स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.33 न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ठीक है, 32 के अंदर जस्ट डेफिनेशंस हैं ये हम नहीं करेंगे अभी, हम जस्ट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे. तो इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 9 एंड 16, वाइल फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोक्रेटिक एंड पैटिक्रेटिक? तो हमें उसने मोमेंट्स अबाउट मीन दे दिए एक दो डिस्ट्रीब्यूशंस के, M2 और M4 दोनों के अलग अलग दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन 1 के और डिस्ट्रीब्यूशन 2 के, और कहता है इनको यूज़ करके हमें बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर्टोसिस पाए जाते हैं या नहीं, और कर्टोसिस कौन से, मतलब लैप्टोक्रेटिक या प्लैटिक्रेटिक जो है उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है या नहीं. तो ये हम चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर पता चलेगा कि आया कि किसके अंदर लैप्टोक्रेटिक है या किसके अंदर प्लैटिक्रेटिक जो है वो कर्टोसिस पाए जाते हैं. चलिए इसको सोल्व करते हैं. तो इस डाटा को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन 1 के अंदर कौन सी कर्टोसिस पाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन 2 के अंदर कौन सी कर्टोसिस पाई जाती है. ये डाटा हमारे पास गिवन था, मतलब M2 M4 तक ये डाटा गिवन था. फॉर्मूला गिवन नहीं है, फॉर्मूला तो ज़ुबानी आपको याद करना है. ठीक है, ये आपको ज़ुबानी लिखना है पेपर में भी और एग्ज़ाम में भी. तो ये फॉर्मूला मैंने खुद लिख दिया है, तो क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ तक डाटा गिवन था डिस्ट्रीब्यूशन 1 और 2 का, M4 तक. अब हम इनको यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन के जो है ना β2s फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि β2 जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर्टोसिस को फाइंड आउट करने के लिए होता है, आया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर्टोसिस है या नहीं. तो β2s इसीलिए यूज़ करते हैं हम, और इनको देखते हैं अब कि ये 3 जो हमारे पास होता है आंसर उसके इक्वल आते हैं, लेस देन आते हैं या ग्रेटर देन आते हैं, तो फिर हम बताएंगे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी कर्टोसिस पाई जाती है. तो इसमें हमें जब M4 और M2 की वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ पे, तो M4 मेरे पास है 230 डिवाइडेड बाय, M2 मेरे पास है 9 और 9 का मैंने लेना है स्क्वायर. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.84. ठीक है, 2.84 ये हमारा β2 का आंसर है. अब β2 अगर आप देखें तो ये 3 से छोटा है. ठीक है, 2.84 3 से लेस देन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा β2 इज़ लेस देन 3. और जब β2 लेस देन 3 होता है तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती है प्लैटिक्रेटिक. ठीक है, β2 का आंसर जब भी 3 से लेस आए तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्लैटिक्रेटिक होती है. तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे प्लैटिक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन को चेकआउट कर लेते हैं कि इसका जो है हमारे साथ क्या रिजल्ट इसका हमारे सामने आता है. M4 की वैल्यू यहाँ पे है 780 और M2 16 है, और 16 का M2 का ऊपर स्केयर है. ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 के स्केयर के साथ, तो हमारे पास M2 का जो आंसर आ रहा है वो आएगा 3.05. और इस डिस्ट्रीब्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपका जो β2 है वो ग्रेटर देन 3 आ रहा है, बिकॉज 3.05 जो है वो 3 से बड़ा होता है. और जब भी β2 का आंसर 3 से बड़ा आता है तो फिर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन में लैप्टोक्रेटिक जो होती है ना कर्टोसिस पाई जाती है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैप्टोक्रेटिक. ठीक है, LEPTO लैप्टोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चल गया कि इसमें कौन सी कर्टोसिस पाई जाती है फर्स्ट में और सेकंड में कौन सी पाई जाती है. जब β3 लेस देन 3 है तो प्लैटिक्रेटिक है, ग्रेटर देन 3 है तो लैप्टोक्रेटिक है, और अगर इक्वल टू 3 आ जाए, ठीक है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे. तो आज का ये क्वेश्चन इतना ही था. ठीक है, इसको ही प्रैक्टिस करें और जो है मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे. अल्लाह हाफिज़.